देखेंगे आज हंटर आयोग 1882-83 में जो आया था उसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले हमने देखा था वुड डिस्पैच 1854 के बारे में, वो भी शिक्षा से रिलेटेड कुछ अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून था। ये भी है तो इसके बारे में देखते हैं कि आखिर है क्या हंटर आयोग। ठीक है, ये 1882-83 के पीरियड में लाया गया था। यदि कहा जाए इसकी अध्यक्षता कौन किया था, किया था एक अंग्रेज W W हंटर ने। इसकी अध्यक्षता में इस आयोग का निर्माण किया गया था। ठीक है, बोलेंगे 1882 में निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आया क्यों था, तो वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, ठीक है, प्रगति और विकास जो भी हुआ था उसके मूल्यांकन के लिए इसको लाया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, और मेन रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग को लाया गया था, जिसमें सभी प्रांतों का भ्रमण किया गया और लगभग 200 प्रस्ताव, कितने प्रस्ताव को रखा गया, 200 प्रस्ताव को इसमें रखा गया। बट यहाँ पे जो मुख्य विशेषता इसका क्या है फिर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य विशेषता क्या है, सबसे पहला विशेषता तो वही है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही साथ क्या किया गया ना इसमें, कि ये जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है इसको किसके अंदर कर दिया गया, नए गठित नगर और जिला बोर्डों को अधिकार क्षेत्र में इसको कर दिया गया। इसका जो भी देखभाल है माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा जो है इसको ये देखेगा, नया गठित नगर और जिला बोर्ड। इसमें और क्या व्यवस्था किया गया, तो व्यवस्था ये किया गया कि महिलाओं से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाया जाता। और क्या था इसमें, ये किया गया था कि साहित्यिक विषय, ध्यान देना है, साहित्यिक विषय और व्यवहारिक विषय, ठीक है, व्यवहारिक विषय में व्यावसायिक और व्यापारिक विषय उस वक्त वही था, उसको शामिल करने के बाद क्या गया था, साथ ही साथ निजी क्षेत्र में शिक्षा के प्रयास को बढ़ावा मिला, इसको बढ़ावा दिया। तो ये चार पॉइंट था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना, नए गठित नगर और जिला बोर्डों के अधीन इसको कर देना, महिलाओं से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, सुविधाओं को बढ़ाया जाए, साहित्यिक विषय और व्यवहारिक विषय को बढ़ावा देना, व्यवहारिक विषय में बोल सकते हैं व्यवसायिक और व्यापारिक विषय को बढ़ावा मिला, निजी क्षेत्र में शिक्षा के प्रयास को बढ़ावा दिया जाए। तो हंटर आयोग इसी से संबंधित था, छोटा सा टॉपिक था। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन कल पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के साथ। तो आज भर की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर दे। ठीक है।